हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक नए कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो कहानी शुरू होती है किहे से, जो अपनी फ्रेंड किम के सिर पर हाथ रखकर उसे आर्मरेस्ट कहकर बुलाता है। किम की हाइट छोटी होती है, इसलिए वो उसे आर्मरेस्ट कहकर बुलाता है। जब किम ये नाम सुनकर चिढ़ती है तो वो कहता है कि ये निकनेम कूल लोगों का होता है। किम कहती है कि तुमने पक्का कोई बकवास टीवी शो देखकर ये नाम सोचा होगा। तभी सांगयुंग भी आकर किम के सिर पर हाथ रखकर उसे आर्मरेस्ट कहकर बुलाता है। किम ये नाम सुनकर चिढ़ जाती है। वो उनसे आगे जाते हुए कहती है कि एक दिन तुम दोनों मुझसे बहुत पिटने वाले हो। फिर वो तीनों अपने स्कूल के लिए जाते हैं। नेक्स्ट सीन में तीनों फ्रेंड्स साथ में बैठे होते हैं। किम को थोड़ा परेशान देखकर किहे उससे उसकी परेशानी की वजह पूछता है। वो कहती है कि स्कूल में ये अफवाह फैली है कि मैं एक चालाक लोमड़ी हूँ। ये सुनकर सांगयुंग चौंकते हुए खड़ा हो जाता है। किम कहती है कि वो कहते हैं कि मैं हमेशा लड़कों के आसपास रहती हूँ, लेकिन ये बात भी सच है कि मैं हमेशा तुम दोनों के साथ घूमती रहती हूँ। सांगयुंग चिढ़ते हुए कहता है कि ये सारी बकवास कौन कर रहा है, क्या वो लोग लोमड़ी की बेइज्जती नहीं कर रहे हैं। उसकी ये बात सुनकर किम चौंक जाती है। वो कहता है कि क्या तुम्हें पता भी है कि लोमड़ी कितनी क्यूट होती है, तुम उन्हें खुद से कंपेयर कैसे कर सकती हो। किम पूछती है कि क्या तुम्हें इसलिए गुस्सा आ रहा है क्योंकि वो मुझे लोमड़ी से कंपेयर कर रहे हैं। वो कहता है और नहीं तो क्या, तुम गोरिल्ला ज्यादा लगती हो। अब ये सुनकर किहे चिढ़ जाता है। वो कहता है कि तुम्हारी किम को गोरिल्ला कहने की हिम्मत कैसे हुई। किम उसे शांत कराते हुए कहती है कि इसकी तो मजाक करने की आदत है। तभी किहे कहता है कि गोरिल्ला इससे ज्यादा क्यूट होते हैं, तुम्हें इसका कंपैरिजन गोरिल्ला से करने के लिए गोरिल्ला से माफी मांगनी चाहिए। फिर वो दोनों एक दूसरे का कॉलर पकड़कर इस बात पर लड़ने लगते हैं कि लोमड़ी और गोरिल्ला में से कौन ज्यादा क्यूट होता है। उन दोनों को ऐसे लड़ते देखकर किम को बहुत गुस्सा आता है। वो उनसे कहती है कि तुम दोनों जाकर गोरिल्ला और लोमड़ी के साथ ही घूमो, मेरे पास वापस आने और मुझसे बात करने की अब सोचना भी मत। और ऐसा कहकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है और दोनों उसे जाते हुए देखते रहते हैं। इसके बाद दोनों बॉयज जाकर सोलबी को रोकते हैं। सोलबी कहती है कि तुम दोनों किहे और सांगयुंग हो ना। ये सुनकर वो दोनों चौंक जाते हैं। किहे सांगयुंग से पूछता है कि क्या तुम इसे जानते हो। वो कहता है कि मैं तो इसे नहीं जानता हूँ। तभी सोलबी कहती है कि तुम दोनों मेरे पास इसलिए आए हो ना क्योंकि मैंने किम के बारे में अफवाह फैलाई थी। वो दोनों कहते हैं कि हम इसी वजह से आए हैं। वो कहती है कि मुझे अफवाह फैलाए तो इतना टाइम हो गया है, तुम दोनों इतना लेट क्यों आए। ये सुनकर वो दोनों फिर से चौंक जाते हैं। किहे फिर से सांगयुंग से कहता है कि हम लोग तो इस तरह की बात करने का सोचकर नहीं आए थे, क्या सारी लड़कियां ऐसी ही होती हैं। सांगयुंग कहता है कि मुझे ये कैसे पता होगा। किहे सोलबी से कहता है कि किम कोई लोमड़ी की तरह नहीं है। सांगयुंग भी कहता है कि हम उसे बहुत अच्छे से जानते हैं। सोलबी कहती है कि मुझे ये पता है। किहे पूछता है कि फिर तुमने उसके बारे में ये अफवाह क्यों फैलाई। वो कहती है क्योंकि तुम दोनों उसके अलावा और किसी लड़की पर ध्यान ही नहीं देते हो। ये सुनकर उन दोनों को गुस्सा आ जाता है। किहे कहता है कि इससे ज्यादा बेकार बात मैंने आज तक नहीं सुनी। सोलबी उनसे पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन सी क्लास में हूँ और मैं कौन हूँ। वो दोनों उसे जवाब नहीं दे पाते हैं। सोलबी कहती है कि मैं तुम्हारी क्लास मॉनिटर हूँ। वो दोनों कहते हैं कि क्या तुम हमारी क्लास में ही हो। फिर किहे उसे कहता है कि तुम सबको सच बता देना कि तुमने किम के बारे में जो कहा है वो सब झूठ है। वो कहती है कि मैं सबको बता दूंगी। ये सुनकर किहे सांगयुंग से कहता है कि ये तो बड़ी आसानी से मान गई। सांगयुंग कहता है कि आखिर ये इतनी आसानी से कैसे मान गई। तभी सोलबी कहती है कि तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी, तुम दोनों को मेरा फ्रेंड्स बनना पड़ेगा। किहे खुश होते हुए कहता है कि तुम हमारी फ्रेंड बनना चाहती हो, लेकिन क्यों। वो कहती है कि मैं तुम दोनों में से किसी एक को पसंद करती हूँ। ये सुनकर किहे पूछता है कि तुम हम में से किसे पसंद करती हो। वो कहती है कि ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। सांगयुंग किहे से कहता है कि हम लोग सेम लैंग्वेज तो बोल रहे हैं, लेकिन मुझे इसकी बातें समझ में क्यों नहीं आ रही हैं। किहे कहता है कि अभी के लिए तो हम इसकी बात मान लेते हैं। फिर वो दोनों सोलबी के फ्रेंड्स बनने के लिए मान जाते हैं। अब हम एक दिन पहले का सीन देखते हैं।
यह आकर सांगयुंग को बताता है कि तुम्हें पता भी है कि क्या हुआ है। सांगयुंग कहता है कि क्या जीयुन ने किसी लड़की से फ्रेंडशिप कर ली है। किहे कहता है कि तुम्हें ये कब पता चला। ये सुनकर सांगयुंग चौंक जाता है। किहे कहता है कि मैंने उसे एक लड़की के साथ खूब खिलखिलाते हुए बातें करते देखा। सांगयुंग कहता है कि आज अप्रैल फूल नहीं है जो तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। लेकिन फिर किहे के एक्सप्रेशन देखकर वो सीरियस होकर पूछता है कि क्या तुमने जो कहा वो सच है। कह दो कि तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन किहे के सैड एक्सप्रेशन देखकर वो कहता है कि वो जीहुन जो कपल्स को देखकर उनकी बुराई करता था और जिसने हमेशा सिंगल रहने की कसम खाई थी, आज खुद एक फीमेल फ्रेंड बनाकर घूम रहा है। तभी किम कहती है कि उसकी फीमेल फ्रेंड बनाने से तुम दोनों क्यों इतने दुखी हो रहे हो। कौन सा उसने कोई गर्लफ्रेंड बना ली है। वैसे मैं भी तो तुम दोनों की फीमेल फ्रेंड हूँ। ये सुनकर वो दोनों उसे अजीब नजरों से देखते हैं। फिर वो दोनों अपनी बातों में लग जाते हैं। सांगयुंग पूछता है कि क्या वो दोनों कपल्स बन गए हैं। किहे कहता है कि मुझे नहीं लगता, उन्होंने अभी तक हाथ नहीं पकड़ा है और वो लड़की बहुत शर्मीली है। सांगयुंग कहता है कि वो एक धोखेबाज है। इससे पहले कि वो हमारा दुश्मन बने, हमें उसे अपने हाथों से ठिकाने लगा देना चाहिए। वो दोनों जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन तभी किम उन दोनों के कान खींचते हुए कहती है कि तुम दोनों सारा होमवर्क मेरे लिए छोड़कर कहाँ जाना चाहते हो। वो दोनों कहते हैं कि होमवर्क जरूरी नहीं है, जीहुन ने हमें धोखा दिया है। वो फिर जाना चाहते हैं, लेकिन इस बार किम दोनों के पेट में पंच मारकर उन्हें वहीं रोक देती है और कहती है कि हमें शरीफ लोगों की तरह बात करनी चाहिए। वो दोनों कहते हैं कि हमें पंच मारने के बाद तुम शराफत की बात कर रही हो। बाद में दोनों शांत बैठे होते हैं। उन्हें ऐसे देखकर किम कहती है कि तुम दोनों कब तक ऐसे बैठे रहोगे। सांगयुंग कहता है कि मैं बहुत अकेला फील कर रहा हूँ। किहे भी कहता है कि काश मेरी भी कोई फीमेल फ्रेंड होती। किम कहती है कि मैं हूँ तो तुम्हारी फीमेल फ्रेंड। वो दोनों फिर से उसे अजीब तरीके से देखते हैं। उन दोनों को ऐसे देखकर वो कहती है कि तुम दोनों मुझे गाली देने पर मजबूर कर रहे हो। किहे कहता है कि तुम हमें गाली नहीं दे सकती हो। ये सुनकर किम कहती है कि तुम दोनों अपने परिवारों के लिए अभिशाप हो। किहे कहता है कि ये तो मुझे गाली से भी ज्यादा बुरा लग रहा है। फिर वो सांगयुंग से कहता है कि क्या तुमने पहले किसी लड़की से बात की है। सांगयुंग मना करता है। वो कहता है कि जब तुमने पहले किसी लड़की से बात ही नहीं की है तो तुम्हारी फीमेल फ्रेंड कैसे बन सकती है। सांगयुंग उससे पूछता है कि तुम अपने बारे में बताओ। किहे कहता है कि मेरे हालात भी सेम ही है। तभी किम बेसबॉल बैट उठाकर कहती है कि अब मैं तुम दोनों की बकवास और नहीं सुन सकती हूँ, मैं तुम दोनों को मारकर जेल चली जाऊंगी। सांगयुंग उसे रोकते हुए कहता है कि हमें मारने से कम हमारे लिए कोई लड़की तो सेट करवा दो। किहे भी कहता है कि ये मौसम रोमांस के लिए अच्छा है। ये सुनकर किम अपने फोन में देखते हुए कहती है कि मैं तुम दोनों के लिए कुछ करती हूँ। वो दोनों उसे घूर रहे होते हैं। कुछ देर बाद वो कहती है कि यहाँ तो कोई भी नहीं है। सांगयुंग पूछता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। किम कहती है कि मेरी कोई फीमेल फ्रेंड नहीं है, सारा दिन तो मैं तुम दोनों के साथ फुटबॉल या वीडियो गेम खेलती रहती हूँ। सांगयुंग कहता है कि तुम खुद ही तो हमारे पीछे आने की जिद करती रहती हो। किम कहती है कि मैंने सोचा था कि मेरी हाई स्कूल लाइफ बहुत मजेदार होगी। वो दोनों उसे दिलासा देते हुए कहते हैं कि तुम भी हम में से एक हो, तुम्हारा भी गिव अप करना अच्छा रहेगा। किम गुस्से में उन्हें कहती है कि तुम दोनों जाकर किसी पहाड़ी से कूद क्यों नहीं जाते। अब हम वापस प्रेजेंट में आते हैं। सोल भी उन दोनों को बाय करके चली जाती है। दोनों बॉयज बहुत खुश हो रहे होते हैं। सांगयुंग कहता है कि वो तो मेरी दीवानी है। किहे कहता है कि वो मेरे अट्रैक्टिव लुक्स पर फिदा है। सांगयुंग कहता है कि तुम्हारा फैन होने के नाते मुझे पता है कि तुम बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं हो। किहे हंसते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे जितना अगली नहीं हूँ। दोनों ऐसे ही एक दूसरे को चिढ़ाते रहते हैं। नेक्स्ट डे किम उदास जा रही होती है। दोनों बॉयज देखते हैं कि किम बहुत उदास है। किहे किम को उसका फोन देखने के लिए कहता है। किम कहती है कि उससे क्या होगा। वो कहता है कि क्लास मॉनिटर ने कुछ कहना है। किम अपना फोन चेक करती है और थोड़ी देर बाद कहती है कि क्लास मॉनिटर ने कहा है कि वो लोमड़ी वाली बात एक गलतफहमी थी। सांगयुंग कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम गोरिल्ला हो। ये सुनकर किहे फिर से उसका कॉलर पकड़कर कहता है कि गोरिल्ला इससे ज्यादा क्यूट होते हैं। दोनों फिर से लड़ने लगते हैं।
तो किम उन दोनों को अलग करते हुए कहती है कि चलो हम लोग कुछ खाने चलते हैं, और वो खुश होकर आगे चलने लगती है। दोनों बॉयज भी उसके साथ साथ जाते हैं, और यहीं पर इस ड्रामा का फर्स्ट एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।